हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कोजी स्टडी मैथ्स शॉर्ट ट्रिक्स में आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और उसके सामने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से नोटिफाइड रहें। और वीडियो आप पूरी देखिए क्योंकि मैंने अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस की अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स निकाली हैं। सबसे पहले एक ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सीरीज में जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं इस क्वेश्चन को कोई भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन हमारे पास एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है और आजकल ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए हमें टाइम बचाने पे। तो आपको क्या करना है, इसमें से आपको 7 कॉमन ले लेना है। 7 कॉमन लिया, उसके बाद ये देखना है ये एक बार रिपीट हुआ है, उसके बाद 2 बार रिपीट हुआ है, उसके बाद 3 बार रिपीट हुआ है, उसके बाद ये 4 बार रिपीट हुआ है, उसके बाद ये 5 बार रिपीट हुआ है। अब आपको जस्ट क्या करना है, इस 7 की मल्टीप्लाई इस वाले नंबर से कर देनी है। तो इसका आंसर आएगा 5 1 4 6 8। आप जस्ट 5 या 6 सेकंड में इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देंगे। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन भी इसी की तरह है, बस यहाँ पे क्या चेंजेस किए हैं कि यहाँ पे ये 4 3 टाइम्स है और यहाँ 2 बार 4 का जो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो पहले जैसा आप हम लोग करते आ रहे थे वही करना है, 4 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। इस 444 को आप अभी स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, 4 टाइम एंड 5 टाइम ये लिखा आपने। उसके बाद इस 44 को आपको यहाँ ऐड कर देना उसमें। अब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करिए, और उसमें ऐड कर दीजिए 444। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 49824। जस्ट आपको बस कॉमन लेके और मल्टीप्लाई करना है बजाय इसके कि आप सिंगल 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 उनको ऐड करते रहे। अब थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो भी सेम है, बस उसमें पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, 0.2 0.22 0.22। आपको करना वही है, फिर से 2 को हमें कॉमन लेना है, लेकिन यहाँ पे जो हम करते थे ना 1 2 3 4 5, लेकिन जब पॉइंट वाला सिस्टम होगा उसमें हमको वो सीरीज उल्टी कर देनी है। यहां से हमें स्टार्ट करना है 5 4 3 2 1। आप इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 2 1 2 2। अब हमें ये तो हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे पॉइंट भी है तो अब हमें बस पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट में देखना है कि कितने बार इसका कितनी बार वो रिपीट हुआ है। तो 5 टाइम्स रिपीट हुआ था, तो आप यहाँ पे जो आपका डेसिमल होगा या दशमलव होगा वो 5 स्थान बाद लग जाएगा। तो आंसर आएगा 1.08642। अब अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, बस यहाँ दशमलव से पहले भी आपके अंक लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या करना है, हमको देखना है पहले कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है रिपीट। तो 1 2 3 4 5, तो 5 बार आपको 9 को ऐड करना है। तो जब 9 को 5 बार ऐड करेंगे ये आपकी इस चीज के लिए हो रहा है, तो वो हो जाएगा 45। अब आपका ये 9 ये 9 ये 9 ये 9 और ये 9 कैंसिल हो चुका है, इसकी जगह पे हमने 45 लिखा। अब जो बाकी क्वेश्चन है ये सेम पहले जैसा हो जाएगा, तो उसमें वही 9 कॉमन ले लिया और पीछे से 4 5 4 3 2 1 इसे कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो फिर सेम 45 प्लस, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9 8 8 8 8 4, और ये लग जाएगा आपका पॉइंट। तो आंसर इज 49.88889। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। गुड लक।